दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है और ना मिला वो सोना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उनको तो हम देखते नहीं, जो नहीं होती है उनको लेके हम पीछे पीछे भागते हैं। इसीलिए जो हमारे पास है उससे नज़दीकी बना के रखिए। यस, अब हम नया चैप्टर टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के ठीक बाद आप टेंस को पढ़ सकते हैं। टेंस का डेफिनेशन होता है द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। इसका हिंदी में डेफिनेशन हो जाएगा समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ टेंस। इट हैज थ्री काइंड्स। पहला हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। नेक्स्ट, पास्ट टेंस। भूतकाल। और तीसरा, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों का टेंस हो गया। अब प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन, प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन होता है द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड, प्रेजेंट टेंस। इस तरह से द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसमें पास्ट का डेफिनेशन क्या है, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। बीते हुए समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस का डेफिनेशन क्या है, तो द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। आने वाले समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को फ्यूचर टेंस कहते हैं। इन तीनों के डेफिनेशन को हम इस तरह से याद कर सकते हैं। रह गई बात प्रेजेंट टेंस की। अब प्रेजेंट टेंस का, जैसे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, इसका डेफिनेशन यह हो गया, इसमें आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में हैं, हो, हूं। टेंस में जब ही आए तो कोई भी सेंटेंस हो काम होता ही रहेगा। इसीलिए मैंने क्या कह दिया, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, पता चला, यानी कि टेंस सिंपल सेंटेंस में क्या था, उसमें आपको केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट इज एमआर प्लस ऑब्जेक्ट वाला कंडीशन था, पोजीशन वाला, पॉसिबिलिटी, कंपल्सन, एक्शन में केवल कार्य हो रहा था। यहाँ पर सारे जितना भी काइंड्स आएंगे इसके, चाहे सिंपल ये प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, सब के 12 काइंड्स आएंगे, सब में कोई ना कोई काम होता रहेगा, समझिए। अब जैसे इसमें है, हूँ लगा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट को एक्सप्रेस, मतलब से प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस कर रहा। अब इसका
था थे थी रहेगा तो पास्ट टेंस को एक्सप्रेस कर रहा, और अगर गागे गी लगा रहेगा तो फ्यूचर को एक्सप्रेस करेगा। तो इतनी बात तो हम केवल इतना इसके तीनों के डेफिनेशन में केवल कितना चेंज करना है इसमें देख लीजिए। तो चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर प्रेजेंट लिखा है, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर केवल लिख देंगे पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर का लिखना रहेगा तो फ्यूचर, फिर फ्यूचर, यानी कि बस इतना सा चेंज करना है। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। यानी कि एक का हम याद रखेंगे बाकी को भूल भी जाएंगे तो हमें याद रहेगा, समझे कुछ। नेक्स्ट इसमें कहता है अगला आइडेंटिफिकेशन, जिस तरह से इसमें प्रेजेंट को पहचानने के लिए है हो, पास को पहचानने के लिए था थे थी, और फ्यूचर को पहचानने के लिए गागे की काफी है। अब इसमें एक एक करके हम इसका डेफिनेशन, और जैसे कि प्रेजेंट टेंस है अगर एक एक को मैं अगर एक्सप्रेस करूंगा तो किस तरह से बताऊंगा, तो थोड़ा सा समझिए। कि अगर प्रेजेंट का डेफिनेशन यहां पर देता हूं और लिखता हूं द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। आइडेंटिफिकेशन पहले आप देख चुके हैं, एग्जाम्पल के रूप में मुझे लिखना पड़ता है, जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो इसका क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल, ता है ते है ती है लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट समझ जाएंगे। दूसरा मैं लिखूंगा तो मैं स्कूल जा रहा हूं तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू स्कूल, और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर तीसरा तो मैं स्कूल जा चुका हूं, I have gone to school. I have gone to school. और चौथा नंबर में है मैं स्कूल जाता आ रहा हूं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को एक्सप्रेस करता है। I have been going to school. ये हो गया पहला आपको सिंपल प्रेजेंट को एक्सप्रेस कर रहा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, ये प्रेजेंट परफेक्ट को, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को। इसको पहचानने के लिए अब जैसे एक एक का मैं स्ट्रक्चर लिख दो, आइडेंटिफिकेशन लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, तब आपको पता चले। अब जैसे सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला डेफिनेशन मैं अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब सिंपल प्रेजेंट का, अगर मैं कैंस भी अगर सब लिखूं तो कैंस किस तरह से, अब जैसे देख लीजिए कैंस क्या सब आ सकता है इसमें, कैंस इसका आ सकता है काइंड्स ऑफ प्रेजेंट, इट हैज़